गाइस दिस इज अ न्यू व्लॉग। और गाइस आपको व्लॉग पता ही है यार, आई टमाटर का। अब बैठते हैं गाड़ी में बैठ के बात करेंगे, क्योंकि अब चलेंगे एक्सप्रेस नॉन स्टॉप। गाड़ी उतारते हैं कांटे से, फिर मिलूंगा आपसे, ठीक है? क्योंकि गाइस चल 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 जाने दे। और भाई साहब अब कर दे हम तुम लोग बाय, क्योंकि यहाँ थोड़ी भीड़ भाड़ है, तो यहाँ से निकल जाते हैं फटाफट, फिर मिलेंगे आपसे बाद में रोड पे। सोना भर चुका है गाड़ी में, सोना उगल रहा है वो भी बेंगलोर में। तो ठीक है गाइस चलते हैं और मिलते हैं आपसे आगे, वो भी तबाही के साथ। ओ गाइस देखो मंडी एक्सप्रेस का चक्कर, पहले मार रो है और यहाँ बाद में कर आयो तहल। और अभी तो गाइस हम चढ़ रहे हैं, मत करो 40 में चल रही है, हालत खराब होगी अब हेल्प ही गई सही हो जाएगी। गाइस गाइस कभी तुमने देखी है ये दूसरी गाड़ियों पे? बहुत कंजूस आदमी साथ है वो, मैं आज पहले पेप्सी गाइस अगर पेप्सी भी ले लिया हो ना मैं तो मुँह फूल जाएगा क्या वजह से। अब तो अपनी खुद की गाड़ियों पर दिक्कत ना जय कम भाई खुद की फूल गिर को भूत आग मंडी का नाम पहले ही आया हम इसलिए खड़ गई। तो कोई नहीं, इसको भी लगा लेंगे गाइस। तो हेल्प वेल पीते हैं उसके बाद मिलेंगे, अभी अपनी गाड़ी चढ़ाएंगे फिर 80-90 100 पे, फिर मिलेंगे आपसे 100-125 मोड पे। कुछ कहना चाहेंगे? नो थैंक्स। अंग्रेजी बोल रहे हो यार तू तो यार जैकम। तो चलो कोई ना, यहाँ की अंग्रेजी मैं झेल लू गाइस, तुम भी लोग देखते रहो बस। गाइस चिकबालापुर वाला ने पार कर कुरा के अब आ गए हम हैदराबाद हाईवे रोड पे। यहाँ से हम नाड़ी ब्रिज के नीचे से मारे ड्राइवर साइड, और अब गाइस ये हाईवे रोड है सामने, तो इस पे चढ़ेंगे और फिर धुआंधार गाड़ी को उड़ाएंगे। और गाइस गाड़ी को अब उड़ाएंगे क्योंकि वहां से सिंगल रोड पा रहे थे, इस वजह से मतलब भगाया वगाया नहीं, इस वजह से आपको मीटर वीटर नहीं दिखाया। बाकी अब हाईवे पे और जयकम बैठो गुस्सा में अब, क्योंकि सिंगल रोड ने मूड खराब कर दियो हमारो। तो अब चढ़ते हैं इस पे और फिर मिलेंगे गाइस आपसे 80-90 का मीटर पे, ठीक है ना? तो गाइस फाइनली तुम्हारा भाई सो गया, खड़ा हो चुका है, सो गया था मैं और अभी है हम गाइस पता न जाने कौन सी जगह पर कुल मिला है। सामने मन की होटल है, उधर चलते हैं खाना खाने। अभी खाना खा के आता हूँ उसके बाद मिलेंगे, ठीक है ना गाइस? गाइस फाइनली तुम्हारा भाई बैठ चुका है स्टेयरिंग पे और अब अपन चलेंगे इसको लेकर, हमारी 6007 है तो अब चलेंगे हम साथ साथ ये गाड़ी और अपने साथ अपने पीछे। तो ठीक है गाइस चलते हैं और मिलेंगे आपसे अब रास्ते में, ठीक है ना? ये मंडी है गाइस अपनी 80 किलोमीटर पर आवर चलेंगे, आराम आराम से कोई दिक्कत नहीं है। और गाइस हाँ एक बात और, ये लंबी गाड़ी है इस वजह से पता नहीं 80 की स्पीड बहुत ज़्यादा लग रही है, ऐसे समझो कि हाँ जैसे 100-110 पे चलती है 10 चक्का, ऐसे ये 12 चक्का 80-70 पे चल रही है, इस वजह से नॉर्मल 80-80 चलेंगे गाइस। वैसे भी ये लास्ट 90 भगती है तो 80 पर आराम से मंडी हो जाएगी। फाइनली हम पहुंच चुके हैं करनूल, करनूल में है फिलहाल। और गाइस यहां से हैदराबाद होगा 200-220 का समथिंग, क्योंकि पीछे 265 कुछ का बोर्ड था शायद, पता नहीं खास ध्यान नहीं है, पहली बार तो नहीं जा, तो कई दफा रहा हूँ गाइस पर कभी ऐसे ध्यान नहीं दिया मतलब कि हाँ भाई परमानेंट आना जाना रहेगा यहाँ से, तो इस वजह से माइंड नहीं किया कभी। तो अभी करनूल में अगर कोई भाई करनूल से देख रहा है तो कमेंट करे जरूर,
और भाई इस बार नहीं तो अगली बार जरूर मिल के जाएंगे। इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करें, इंस्टाग्राम की आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो वहाँ जाओ और लिंक पे क्लिक करो और मैसेज करो और बात कर सकते हो मुझसे। तो ठीक है गाइस, करते हैं कर्नूल को पार और फिर मिलेंगे आपसे आगे, ठीक है ना। इस कर्नूल पार करने के बाद दोनों बॉर्डर कर आया हूँ पार, एक बॉर्डर पे तो पता ही नहीं चला कब निकलगा, दूसरे बॉर्डर पे तो डंड लेके खड़े थे इस वजह से रुक गए, तो हड्डी खाओ का डंडा पड़ जाता ना तो टूट जाता मैं, इस वजह से गाइस मैं तो दिया आया चुपचाप 400, क्योंकि देने में भलाई है पिटने में भलाई नहीं है। और अभी चल रहा है बड़ा आराम आराम से भाई, अपनी गाड़ी जो अपने पीछे पीछे चल रही है दूसरी वाली उसकी, उस पर भी चक्कर लगाया था मैंने गाय जी अलग, बहुत सारे पैसे कमा के लेके गया था उसमें। और गाय अभी नहीं गाड़ियों पर रहूँगा परमानेंट, अब और किसी गाड़ी पर नहीं जाऊँगा, अभी नहीं पे रहूँगा। तो ठीक है गाय चलते और मिलेंगे आपसे आगे हैदराबाद, हैदराबाद में जो भाई जहाँ से है वहाँ से कमेंट करो, दबा कर कमेंट करो और इंस्टाग्राम मैसेज करो भाई, सबसे मिलूँगा अगर हो पाएगा ना, सबसे मिलूँगा सबसे बात करूँगा। तो ठीक है भाई चलते और मिलेंगे आपसे आगे ऐसे ही हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ। तो गुड मॉर्निंग गाइस, फाइनली दिन निकल चुका है और हम पहुँच गए बालानगर हैदराबाद से पहले, 50-60 किलोमीटर पहले पड़ता है बालानगर। और गाइस नींद आ रही बहुत भयंकर वाली, तो मैं जगाऊंगा जयकम भाई को, फिर जयकम भाई लेकर चलेंगे गाड़ी हैदराबाद के रिंग रोड पे, जयकम भाई चलाएंगे और अपन सो जाएंगे, क्योंकि यार गाइस नींदों में गाड़ी चलाना बेकार है, सब कुछ में चलाओ पर नींद में और कभी नशे में गाड़ी वास्तव में नहीं चलानी चाहिए। फाइनली पहुंच चुके हैं हैदराबाद के रिंग रोड पे और यहाँ से कटवाएंगे टूल, और टूल कटवाने के बाद रिंग रोड के ऊपर चढ़ जाएंगे, फिर अपना ही राज होगा। तो गाइस अब आपको रिंग रोड दिखाऊंगा कैसा रिंग रोड है हैदराबाद का, आपके भी देख के हो छुड़ जाएंगे, बड़ा ही जबरदस्त रोड भाई साहब। यहां से चढ़ेंगे रिंग रोड पे, टूल कटाते तुरंत, और अब ऊपर चढ़ते ही आपको मिलेगा सरप्राइज, जिन भाइयों ने देख रखा है उनको तो पता ही है, हाँ बड़ा ही जबरदस्त अच्छा खासा लंबा तगड़ा चौड़ा रोड है, और जिन भाइयों को नहीं पता वो देख लेना आप, क्योंकि वास्तव में रोड रोड है। ये चढ़िया है हम इसके ऊपर, और अपनी एक गाड़ी और थी उसका पता नहीं कहाँ भाग गई, और यह कोनी तो ना खुल रहा अभी तक भी, ये देखो ऐसा जबरदस्त रोड भाई, इसके नियम कानून और गाइस अलग अलग, बहुत तगड़े नियम कानून है। इस वजह से अपने चलेंगे लेफ्ट, राइट का मतलब का नहीं है अपना ट्रक, क्योंकि तो राइट चलेंगी कार, अपन चलेंगे लेफ्ट। तो चलो गाइस चलते हैं फिर मिलेंगे आपसे आगे, हमारे कदम पड़ चुके हैं रिंग रोड पे, ये देखो ये खड़ी अपनी गाड़ी सामने, और जयकम दोरो मुँह, तो जयकम ने रुकवा दिया था कि तू आराम कर ले मैं लेके चल दूंगा, तो इस वजह से रुक गया। पर यहाँ जो मौसम हो रहा है ना वास्तव में बड़ा ही जबरदस्त मौसम हो रहा है, और यहाँ पे भी लोग बाग रहते हैं गाइस देखो, और हमें जो भाई साहब और घुस जाऊंगा किसी खिड़की में। मतलब यहाँ पे इनका भी मन लग रहा है कभी कभी, मतलब सोचते हैं ना थोड़ा अजीब लगता है। तो कोई नहीं चलो चलते हैं, अब सो जाते हैं फिर मिलेंगे आपसे आगे, ठीक है ना। गाइस जब हम बैठते ही उड़ा दी गाड़ी हमारी 80 और 80 में जो चलती है, सामने का व्यू देखो गाइस जबरदस्त व्यू था भाई साहब, आगे तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग और आई थी इधर, और यहाँ पे देखो ये एकदम ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल नज़ारा, और गाड़ी हमारी अब चल रही है और भाई 150 में पाता फाड़ दिया गाइस, और हम कहने बजा बजा के नहीं 120 वाली लाइन में चल रहा हूँ, 120 भाग भी ना रही, और यू क्या उतार दिया रिंग रोड वाला नीचे ही नहीं, अगर 120 में ना चले कोई।
80 वाली में ले ले, 80 वाली में। तो भाई जी 80 रुपए की 120 की पर ली, 60 की है, सॉरी 120 की है शायद लास्ट वाला का बोर्ड। तो कोई नहीं भाई, ये कुछ रिंग रोड पर गाड़ी ऑटोमेटिक बकरे लाए, अब अपन सो जाते हैं क्योंकि अपन पड़े लंबे, अपन कम्बल क्योंकि इन पड़ रहे जाड़ो भाई, अभी ठंडी ठंडी हवा आ रही है सनरूफ में सू। और अब मैं सो जाता हूँ, फिर मिलेंगे गाइस आपसे बाद में जब सो को उठूंगा तब, ठीक है ना। ओ गाइस गुड मॉर्निंग, और पता नहीं जाने कहाँ पे कुल मिला के बॉर्डर पार करके राजस्थानी होटल पर अभी खाना खा के आया हूँ, और पानी की बोतल भी भर के लिया, ये खड़ी अपनी धनो। तो गाइस टाइम बिल्कुल भी ख़राब नहीं करने का, क्योंकि टाइम ख़राब करेंगे तो फिर भगानी पड़ेगी, इस वजह से कंटिन्यू चलते रहेंगे आराम आराम से, और आपसे मिलते रहेंगे प्यार प्यार से, और आप हमें सपोर्ट करते रहो प्यार प्यार से। तो ठीक है मेरी जान, चलो चलते हैं, बैठते हैं अपने विराजमान होते हैं अपनी गद्दी पे, तो मिलेंगे आपसे आगे रोड पे, ठीक है ना। देखो गाइस व्यू चेक करो भाई साहब, जबरदस्त व्यू है। अदीनाबाद जू 62 किलोमीटर पहले फिक्स, ये व्यू बड़ा ही जबरदस्त है। मैं मतलब आ तो गया हूँ गाइस एक दो बार पहले भी, पर इतना ज़्यादा नहीं आया कि हाँ कि भाई बिल्कुल पक्की वाली नॉलेज, इतनी खास नॉलेज नहीं है इधर की, बस चलते फिरते निकल गए यहाँ से, घूमते फिरते एक दो चक्कर लगाए थे मैंने भी फर्स्ट टाइम इधर, जब तो याद था या बहुत दिनों बाद आया ना, अभी इतना याद नहीं है कौन कौन सी चीज़ें हैं, पर जो है मस्त है भाई साहब। अपने टलांगे भी लंबे लंबे 100-110 वाले, तो उन पर मिलेंगे अब आपसे, ठीक है ना गाइस। और ये व्यू की खातिर यार ये लाइक कर दो वीडियो यार प्लीज यार भाई, जब देख लियो होता ये नूटल आ रहे हैं भाई साहब, बड़ा ही जबरदस्त जबरदस्त नूटल आ रहे हैं। और हमारा चल रहा ये डिप बॉय भी बुरा ही भगार हो गई, और हम भी बुरा ही भगा रहा, और हमारा अगला टायर कमजोर, और कंडक्टर साइड का गाइस थोड़ा उसका डर है, तो कोई ना फिर भी आराम आराम से ही चलेंगे, इसके डर की वजह से दिखाऊंगा आपको वो एक कहाँ की पूरी लकीर खा के रही है। डिब्बा वाला देखा तुमने अभी क्या कर रहा था, डिब्बा वाला जादू कर रहा था अभी। चलो कोई नहीं, चलते और आगे मिलेंगे ऐसे मौज मस्ती के साथ। टूल पे ये रहा टूल टैकिस, और गाइस यहाँ हम रुके हैं, किस कैब हो गया हमारे साथ, बहुत बुरा हुआ हमारे साथ। ये देखो गाइस टायर फट गया है हमारा, जब ये सोचते हैं ना कि ये वाले टायर हमको नए लेने, तो पूरा फट ही जाते हैं अक्सर कर, तो हमने सोचा था ये जितने भी टायर हैं पीछे के सारे नए लेते इस बार, और लेने से पहले एक ने अलविदा बोल दिया, और बाकी गाइस एक गाड़ी आ रही है पीछे से, अगर देखेंगे वो टाइम से आ जाएगा तो मिल लेंगे, और नहीं चलते रहेंगे, गांव का लड़का एक अपने गांव का ही। ये कुछ अपनी धनो खड़ी हो रही इधर, धनो इसका नाम क्या रखेंगे हम, धनो। तो कोई नहीं गाइस, अभी टूल करते हैं पार करने के बाद टायर वाली दुकान है वहाँ पे, स्टेपनी है हमारे पास, स्टेपनी डालेंगे इसमें और फिर चलेंगे दोबारा 80-80 पर, ठीक है ना गाइस। पहले बदल लिया अपन ने ये टायर जो फटा हुआ था वो लटका दिया स्टेपनी में, और ये चढ़ाया है अब, तो ये फ्रेश टायर है बिल्कुल गाइस एकदम छक्कास, और राड रखी बाहर इसको भी घुसाते हैं, और कोल्ड ड्रिंक और पानी की बोतल और ले रहा है हम, ये क्राड और हमारे पी मुड़ी पड़ी है। चल रहा चलो अब चाहे कम चलेगो, यो बुरी ताड़ेगो यो जो है कि रियल बनाती है वो जगह। और अब मैं सीट भी टन जमा हूँ भाई साहब, फिर मिलेंगे आप। फाइनली महाराष्ट्र बॉर्डर पहुँच चुके हैं, और बॉर्डर करा रहे हैं अभी पार, अब वहाँ आगे जाके वही पैसे दे के आने पड़ेंगे और फिर चलेंगे। तो चलो भाई जयकम भाई, अभी तो हूँ और दे रहा ना, ये जायज रुपए हैं गाइस, पर वहाँ जो देते हैं ना वो गलत बात है, ये वहाँ खुद ही कमाई करते हैं, पर कोई नहीं भाई, हमको गाड़ी चलाना है तो दे के आना पड़ेगा, वरना ये हमको डंडे से मारेगा। वो गाय टेलर वालों पूरा कंपटीशन कर रहे हो, कह रहे थे टमाटर भर रहा जब यहाँ चलो जा रहा हूँ बराबर,
पूरी भगाना गिरने और भरी और पड़ी है मार्बल सु ओवरटेक कर गए हमारी गाड़ी सुबह आखिर में नंबर कहाँ का है गाइस नंबर देखो तुम यार अलवर नंबर है भाई ये अलवर यहाँ ठाट हो देख हमारी गाड़ी गाइस 60 प्लस चल रही है 60 प्लस देखो गाइस जब भगरी गाड़ी अस्थी को रबड़ देखो बहुत भयंकर उड़ रही है भाई साहब हवा में हमारी गाड़ी भाई सामने एक हादसा हो चुका है हमारे अलवर का टेलर का और बहुत बुरा हादसा वो दिख है यू ककराली को ककराली टेलर है बहुत भयंकर एक्सीडेंट खड्डान की वजह से होगा जी पीछे से ठुको अब बताइए रोड सही ना कर जब ऐसा हादसे होते हैं यार यही वजह उसके हमें है कौन पीना पानी बोतल भरी पड़ी बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट भाई पानी वानी पूछ रहे हम भाई बेचारे जगह भी ऐसी है और ये टमाटर की गाड़ी लगी पीछे देख पड़ो टमाटर इधर गिरी थी वो दूसरी गाड़ी जिसमें लगी है ये भी कहते हैं रोड रास्ते सही होने चाहिए क्योंकि पीछे से पूरा सही यहाँ पे खड्डे अचानक किसी को पता नहीं पड़ा पर कोई नहीं होता है फिर भी थोड़ा सेफ्टी से चला करो तो अपन भी चलते हैं अब मिलेगा आगे गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं खवासा घाट में और ये कुछ खवासा घाट है भाई मतलब घाट तो खास मतलब डेंजर तो नहीं है पर टर्न वर्न वगैरह डेंजर है और ढाल भी बहुत ज़्यादा डेंजर है ये जो ऊपर से गाड़ी आती है उनके लिए ज़्यादा रिस्की है और गाइस यहाँ पे ग्रैंड व्रैंड डुल रही है शायद कुछ लफड़ा हो गया गाड़ी खड़ी है जो तो ये गाड़ी ठुकी थी यहाँ पे शायद हाँ ये ठुक गई यहाँ और ये अभी ताज़ा ताज़ा और ठुकी है गाइस जय माता की गाड़ी तो चलो कोई नहीं चढ़ाते हैं इस खवासा को और वैसे भी अब थोड़ा बढ़ा के चलेंगे गाइस फिर मिलते रहेंगे आपसे रास्ते में तो ठीक करना मेरी जान देख लो ये कुछ खवासा है जिन भाई ना देखो तो कुछ खास तो ना पर अच्छा घाट है उतरने वालों को भी बस थोड़ा ध्यान से और प्यार से उतारे तो अच्छा है अगर वही स्पीड वाला सिस्टम रहा तो जैसा जय माता का डिब्बा डबा था ना वही सीन हो जाएगा तो इस वजह से प्यार से ही है तो चलो कोई ना तो गाइस खवासा चढ़ने के बाद कुछ ये रफ्तार है हमारी रोड पे क्योंकि मंडी हो रही है भाई लेट अपने को दिल्ली तो जाना नहीं है जाना है मेरठ और वो भी दो जगह की मंडी है भाई मीरापुर और मेरठ और सॉरी मीरापुर और मवाना इस वजह से पेल रहा है भाई साहब बुरी भयंकर भाई नॉर्मल अस्सी अस्सी चल रहा है वैसे अभी फिलहाल होटल में चल रही है पर इस वजह से नहीं दिखा रहा भाई गियर में चलती है तो थोड़ा रिस्की है अब तो भाई से घूम चुके हैं सागर ललितपुर झांसी की तरफ और ये रोड जा रहा है सीधा क्योंकि गाइस इतना खास अंदाजा नहीं है तो लोकेशन लगा रखी है कुछ इसका भरोसा चल रहा है और कुछ थोड़ा थोड़ा सा याद है हड़का हड़का सा तो हाँ हम सही चल रहे हैं
वो गाइस ये देखो कितनी भयंकर बारिश होने लग गई है अचानक, बारिश का बहुत ही भयंकर बारिश हो रही है, हद से ज्यादा भयंकर। अब अपने गाड़ी का मीटर देख, ये गाइस बारिश में भी नहीं रुकने वाली, बारिश हो तूफान आए कुछ भी आए पर मंडी करने से कोई नहीं रोक सकता। और ये गाइस गाड़ी रिपटने से डर लगेगा अपना, टर्न पे ये जैसे आ रहे हैं अचानक तो इन पे डर लग रहा है अब तो भाई साहब, क्योंकि गाड़ी बहुत ज़्यादा रिपट गई बारिश में, और खासकर ऐसे रोडों को। और देखो गाइस बिजलियाँ कड़क रही है, कड़क कड़क दोबारा भाई फिर भी फुल एंजॉय में मौज मस्ती के साथ चल रही है और धन्नो। तो गाइस बारिश रुकने का तो नाम नहीं ले रही है, शायद बाढ़ लेके ही दम लेगी भाई साहब, इतनी भयंकर बारिश। हमारा तो वाई पर और कामना कर रही थी खास, और अभी तो हम ऊँचे पा गए भाई ना, ये वाई फर के चक्कर में कैमरा नहीं चालू कर पाया पहले ही, क्योंकि सड़क में इतने तगड़े तगड़े खड्डे हो रहे हैं और बारिश का पानी सब ये भर गया, अभी इनका पता नहीं कितने तगड़े तगड़े हैं। अब देखो भाई ऊपर कहा सीन रहेगा भाई, एक और लीलैंड माता आ चुकी है जो कि भाई साहब बुरी भगा रहो अब तो आई कल रात सुतारा हमारा पिला रो मेरी, हमारा वाई फर मैनुअल को बड़ा ऑटोमेटिक ना चल रहा, तबाही मचा रहा है भाई साहब, ये कितना तगड़ा खड्डा खुदा का नहीं आओ ना भी सविन भाई प्राण की बदौलत। गाइस एक बार रबड़ चेक करो रबड़े, फाइनली आ चुका है बॉर्डर एमपी बॉर्डर पे, और अभी इन गाड़ी वाड़ी घुमा के लगाओ भाई जान, कहाँ रुके देर आना पड़ेगा पर तो नाम ने त्याग, क्योंकि हम पहली बार यहाँ पे हो गए। फाइनली पर्ची कट वाला यूरी 600 रुपये लिए हैं, 150 रुपये कांटे पे, सॉरी 170 लगाओ डूकरी गानी तो जमा फटो नोट दे दियो यार चलेगा बिना, तो ये एमपी बॉर्डर है शायद ये वाली, बहुत भाई आए भी होंगे जो गाड़ी चला रहे हैं उन पैसे दे का वो मैं, और अपनी रानी खड़ी है बताऊँ कहाँ वो डिब्बा पीछे वो खड़ी है डिब्बा पीछे ये देखो मेरा जादू, तो चलो करते हैं इसको पार फिर मिलेंगे। तो भाई देख रहे हो ये सुंदर लोग इसी में मजा कर रहे हैं, ये किसी की भावनाओं को नहीं समझ रहे, कोई कच्चा माल को भी कोई पक्का माल को भी मस्ती में चल रहा है, बना लिया डिब्बा माई डिब्बा बजाओ, डिब्बा चल नहीं रहे हैं और इन पे बचा रहा है डीजल है। और हमारा उस्ताद अब गाड़ी चला रहो, अब हमारी बारी आई सुने की गाय सीध जान, तो गाय इन गाय वाइन की वजह बहुत हो जाओ थोड़ी समस्या आ जाओ, तो कोई नहीं अब हम सोएंगे उसके बाद मिलेंगे आप जाके, और अब जाकर बारिश रुकी है गाइस पूरी रात बरसने के बाद, और अब जाकर रुकी है तो अब जैक हम चल रहा है, अब हमारा नंबर सोने का आ गया, जब हमको ठंड की जरूरत थी अब गर्मी पड़ेगी तब आके, पर अभी तो मौसम ठीक है तो मैं सो जाता हूँ, फिर मिलेंगे 10-11 बजे ठीक है ना गाइस। वैसे हम पहुँच चुके हैं ललितपुर, ललितपुर थोड़ी सी पहले 20-25 किलोमीटर पहले। ओ गाइस फाइनली मुरैनागर टोल पर पहुँच चुके हैं, और ये भाई साहब टाइम हो रहा हमने ढाई बज रहे गाइस यहीं पे, और मंडी करानी है दो जगह की, यूपी मीरापुर और मवाना की, तो इस वजह से गाइस खींच के चल रहे हैं, अभी बॉर्डर ऑर्डर करेंगे पार फिर मिलेगा आपसे आगे ठीक है ना। बॉर्डर कर लिया पार जस्ट अभी, ये पुराना बॉर्डर को पार करती पैरियल साथ है एक छोटा सा बंद है जो कि भाई पुलिस वाले बैठे हैं इन भाई साहब, ये कुछ मुरैना का व्यू है भाई साहब, आगे मंदिर आएगा बड़ा जबरदस्त, और
गाइस अपन गाड़ी चला रहे हैं क्योंकि अपनी मंडी का ऐसे ही ठीक ठाक सा एवरेज नहीं है अभी, क्योंकि अपने दिल्ली में जाना नहीं जाना है मेरठ में मैडम, तो इस वजह से थोड़ा बढ़ा के चलेंगे। तो चलो गाइस करते हैं इसको पार क्योंकि यहाँ पे भीड़ भाड़ ज्यादा रहती है। अब आ चुकी है चंबल नदी। चंबल नदी का गाइस वो उधर ब्रिज है, पहले वो था पुराना ब्रिज, तब वो चालू था ना तब से मैं गाड़ी लाइन को बताओ, वो 8-9 साल हो गए इस ब्रिज को भी बने, और अब तो पानी वानी आ रहा है इसमें, नहीं तो पर पानी बहुत ही कम है गाइस। वो वाला ब्रिज चालू था ना तब तो भाई साहब 3-4 दिन तक पानी ऊपर से ही जाता था ब्रिज को, ऊपर से ही गाड़ियाँ रोक दी जाती थी पहले ही। और ये कुछ इधर जा रही है, जाली लगा दिए गाइस, कभी कोई सुसाइड कर लिए यहाँ से, इस वजह से अगर कहते हैं ना मरने वाला तो हर जगह से मरेगा। और जो भी वो ब्रिज है ना गाइस अब सही है वो, मतलब ना वहाँ पे घूम फिरने के लिए बाइक वाइक साथ में, जो अपना वही टाइम पास करते हैं और शाम को मस्त इंजॉय करते हैं, जैसे कि अपन भी अपनी गाड़ी में ही मजा कर रहे हैं और जेकम भैया सो रहे हैं, और भाई साहब भीड़ पड़ रही है रोड पे पूरी। अब आएगा इधर धौलपुर वाला आरटीओ, उसको औरंग पर जाकर सपट जाएंगे हम, क्योंकि आर जे 11 नंबर है ना अपना ट्रक, इस वजह से 11 नंबर का नहीं लगता। मेरे जाने वाले मेरी जानो, हम पहुंच चुके हैं आगरा बाईपास पे, आगरा आ चुके हैं हम। अब हम जाएंगे इधर से लेफ्ट बाईपास से, अंदर से जाएंगे तो हमारा फाइन काट दिया जाएगा नो एंट्री में, तो इस वजह से अपने को ऐसा फाइन वाला काम नहीं करना है। इधर से ले लेते हैं लेफ्ट और अब बाईपास पे करेंगे इंजॉय, बड़े आराम से घुमानी पड़ेगी गाइस। क्रेटन तगड़ो जोक पड़ा था, ये देख गई लटक गई जो बात है भाई साहब, गाड़ी पर रबड़न तगड़ो रोप पड़े, मुझे बहुत पसंद है गाइस गाड़ी में रबड़ बांधना, और ज्यादा कुछ खास पसंद नहीं है गाड़ी में बांधना। और गाइस इस गाड़ी का रिव्यू करूंगा पूरा टोटली, इसमें क्या क्या चीज लगवाई और कितना खर्च आया इसमें लगाने में बढ़ाने में सजाने में, कैसा भी कुछ सब कुछ बताऊंगा आपको, वो इस ब्लॉग के अगले ब्लॉग में ही तुरंत बताऊंगा। फाइनली हम हेल ले आए हैं, ये देखो भाई यू रह रहे हेल, हमारा उस्ताद ने हेल पी तो सिखा दिया हम, नहीं तो हम चाय वाला आदमी बना दिया कोई ने, चाय पियो। तो गाइस मथुरा टूल पे लग चुका है बहुत भयंकर जाम, और ये घंटे हो गए सुलझना में नहारो, मंडी लेट करवा रहा है ये जाम हमारी, और ये कार वाले इतने समझदार होते हैं भाई साहब, ये देखो आरडी जबरदस्ती घुसा दी, और ये शीशा में देखियो देखिए खड़े व्हाइट कार वालों, तो ये सीन रहता है गाइस कार वालों को, इस वजह से कार वाले पसंद नहीं है, तगड़ा ही लंबा जाम लग रहा पीछे तक आगे से और पीछे तक। तो कोई नहीं करते इसको पार, फिर देखेंगे धुआंधार उड़ाएंगे अपनी गाड़ी, फिर मिलेंगे आप ठीक है ना। तो गाइस सरप्राइज ये अगला टायर कंडक्टर साइड वाला एक बैठ गया गाइस, पंचर हो गया ये अचानक गर्म होकर शायद लंगोट पे से गया है ये, और गाड़ी खड़ी हो अपनी वहां पे, अरे खोगी ना पा रही अब वो खड़ी उधर, ये टायर अभी इसको बनवाता हूँ गाइस, फिर लेके चलेंगे, फिर मिलेंगे आपसे उधर इसको कसने के बाद, तो लेट पे लेट हो रहे हैं अब चलेंगे और भी ज़्यादा, अब 80 नहीं अब 90 चलेंगे। तो गाइस हो चुकी है फुल एक्सप्रेस मंडी, और अभी भाई साहब फुल ताड़ के धर रहा है गाड़ी, तबाही मचा रहा है हमने रोड पे, जब हम बैठो साइड में साइड बता लूँ यार, यहाँ अपना और गाड़ी में छो जा तो बैठो साइड में ली भी आ गया यार, 100 में जा रही बढ़िया भाई भगना रही गाइस, अभी आगे कैंप पे वहाँ बनाऊंगा वीडियो ठीक है। तो गाइस मंडी हो चुकी है सच में बहुत ज्यादा एक्सप्रेस, सच से ज्यादा किल मिला का फुल स्पीड पे चलेंगे, और गाइस जैक हम अभी यहाँ कुछ अपने के लिए गया गुटका उटका, तो उसके लिए रुके हैं बस, और अभी मीटर दिखाऊंगा आपको कैंपी पे चढ़ने के बाद, क्योंकि यहाँ जो बहुत ज्यादा भीड़ है और जैक हम थका हुआ है इस वजह से वो करेगा आराम। तो ठीक है गाइस जाने देते और चलते और मिलते हैं तबाही के साथ रोड पे। तो गाइस पलवल से चढ़ चुके हैं कैंपी के ऊपर मेरठ के लिए, अब इधर से जाएंगे सीधा आगे आएगा अड्डा ब्रिज जो कि मेरठ का एक्सप्रेस वे आएगा, तो अब देखना गाइस मीटर गाइस अपनी गाड़ी जो 85 भगती है बस ओनली, उसके बाद फ्री हो जाती है, क्योंकि इसकी स्पीड जो कि खुलवा नहीं रखती, मतलब 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड टॉप स्पीड है इसकी,
तो उसी पे फुल चलेगा। कहने का मतलब ये जितनी भगेगी ना फुल चलेंगे और फुल मिलते रहेंगे आपके, ठीक है ना गाइस। तो गाइस ये देखियो तो गाइस इस कदर रह रही है अपनी मंडी धुआंधार, और ये देखो कैंप पे आए हुए सोना सट। और ये अब चल रहे हैं इस पर सपट, और गाइस हॉर्न खराब हो गया है इसका भी, ये देखो हॉर्न का पाता वाता फाड़ दिया गाइस, ये पड़ो देखी हॉर्न है खराब करके तो भाई बड़ा ही जबरदस्त मजा आ रहा है लाइस को, ऐसा लंबी गाड़ी है ना, बारह टेरी तो 80 पे भी है समझे, 120 पे भाग रही है। ओ तो गाइस बीच बीच में ये बहुत बुरा रोड है, डोगरी मत आओ कोई भी कैंप पे। तो गाइस एक और खुशखबरी, ये वाला टायर फट चुका है पीछे पीछे का, और ये हमारी एक्सप्रेस मंडी, ये देख लियो भाई साहब कुछ ऐसे पल्लड़ वल्लड़ चढ़ गया हमारे ऊपर। तो गाइस ये फट गया है यहाँ से, अब ये नहीं पता, ये बहुत भयंकर ब्लास्ट हुआ था ये भाई साहब, बहुत भयंकर से ज़्यादा। और हमारे यहाँ पॉइंट टपक रो, हाँ लगा भाई टायर वायर बदलने के बाद आ चुका। और ये देखो भाई बाढ़ आई हुई है इधर भाई साहब, पूरे उसमें पानी 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 है भाई साहब, बहुत बहुत जबरदस्त पानी है इधर भाई साहब, बाढ़ भाई मान लो रोड का जस्ट अड़ी रहा है पानी भाई। ये देखो कितनो लंबो तगड़ो मतलब लाइन लगी पड़ी है गाड़ी की, कांवड़ यात्रा हमारी रुकी हुई है जो कि कटवट बंद कर रखे हैं ना उनकी वजह से। अब बताओ बेचारा भी यहाँ पे कुछ खाने पीने को कुछ सुविधा नहीं है, मतलब दूर दूर तक होटल वोटल कुछ भी ना है, अपना इधर पड़े रहे और ऐसे ऐसे कराओ बस, ये है ये तो गलत है यार, मतलब रोकना चाहिए तो एक कैंप भी लगाना चाहिए इधर खाना वाना के लिए ना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस देखो दिन निकल रहा है अब, और ये हमारी गाड़ी खड़ी है एक्सप्रेस मंडी है रोड पे, तो कोई नहीं अभी बाकी की सारी बातें करेंगे मंडी में चल के, अभी यहाँ चल रहे 5 बजे। हम पहुंच चुके हैं मेरठ, ये रहा मेरठ इधर, और हम जा रहे हैं अंदर वाले बाईपास से, और जय कमारी नींद क्योंकि बेचारा भाई साहब मैं तो क्या हूँ कल तो सोया ही ना। गाइस फाइनली पहुंच चुके मंडी में, खाली भी होगी क्रेट बैठ गई एक में एक, तो कोई ना। और गाइस आधी होगी इन खाली, आधी जाएगी मीरापुर, और अब तो बस मंडी हो गई कुल मिला के, जैसे तैसे खुद का माल था इस वजह से कोई दिक्कत नहीं थी, इनाम की होती तो पूरी ऐसे तैसी हो जाती इस वजह से, तो अब कोई दिक्कत नहीं है फ्री है। तो गाइस फाइनली अपनी ये थी कुछ इस कदर मंडी जो कि हमने करवा दी, बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, बहुत टायर फटे, बहुत टायरों ने परेशान किया, बहुत गाड़ी ने परेशान किया, बहुत गर्मी ने मतलब देखा ना पसीने में सब तरह, बस कुछ भी करो पर ड्राइवर को मंडी करवानी जरूरी है, और मंडी वंडी करवा ही दिया आखिर में, तो तुम्हारा भाई का था ही, और ये खुद का माल था, और कैंप वैम्प भी जाम लग रहा था, बहुत पैसे लिए वहाँ पर आने के लिए क्योंकि कावड़ यात्रा के लिए सारे रास्ते बंद थे, वहाँ 2000 देखा है, फिर उसके बाद मेरठ में आए वहाँ 500 दिए, फिर मेरठ के अंदर आए फिर वहाँ 500 दिए, फिर मेरठ के बाहर आए फिर वहाँ 500 दिए, फिर मवाना छोटे मवाना आए फिर वहाँ 500 दिए, और फिर यहाँ आ गए आखिर में। तो यहीं पर अपना व्लॉग होता है ख़त्म। तो गाइस इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और दबा के प्यार दिखाओ गाइस, ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहूँ और इससे भी ज़्यादा एक्सप्रेस मंडी लेकर आऊँ। और हाँ गाइस इसकी टॉप स्पीड अभी 85 है, 110 जाएगी अभी, सर्विस आने वाली है इसकी उस पर, ठीक है ना।